हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चीज ब्रेस्ट पिज्जा। जिसके लिए देखिए, हमें बेस बनाने के लिए यहाँ पर चाहिएगा मैदा, दही, और ये देखिए एक टेबलस्पून मैंने यहाँ चीनी ली है। ये देखिए 3/4 मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया और 1/4 पार्ट हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है। ये एक टेबलस्पून के ही पार्ट है कि 3 पार्ट तो हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर लेना है और 1 पार्ट हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा लेना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये देखिए खट्टी दही ली है और ये देखिए यहाँ पर ये मोजरेला चीज है। इसके बाद में मैंने यहाँ प्याज को कट किया है, एक शिमला मिर्च को कट किया है, थोड़े से मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिए हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पनीर का टुकड़ा लिया है और ये देखिए ये हमने पिज्जा सॉस यहाँ पर ली है। और स्प्रेड के लिए हमने यहाँ पर अमूल चीज है ये ली है, ये मार्केट में आपको आसानी से। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर हमारा बेस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने ये यहाँ पर जो 2 कटोरी मैदा लिया था वो यहाँ पर लिया है। इसके बाद में ये देखिए मैंने जो 1 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी ली थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए इसके बाद में जो हमने यहाँ पर 3/4 पार्ट बेकिंग पाउडर लिया था वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके बाद में। और ये देखिए अब हम जो हमने 1/4 पार्ट बेकिंग सोडा लिया था वो इसके अंदर ऐड किया है। और ये मैं यहाँ पर इसके अंदर खट्टी दही यहाँ पर डाल रही हूँ। ये देखिए अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीजों को यहाँ पर मिक्स कर लिया। इसके बाद में हम जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं, पानी डाल के इसको हम यहाँ पर इसका सॉफ्ट आटा रेडी कर देंगे। ये देखिए हम ऐसे करके इसको अच्छे से रेडी कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है, पर ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी नहीं है। इसके अंदर क्या है, ये देखिए बुलबुले हैं, हमें इनको बिल्कुल खत्म करना है। इसके लिए ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर पहले यहाँ पर ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल से क्या होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें इस आटे को यहाँ पर पटक पटक कर बिल्कुल इसके जो बुलबुले हैं, बबल्स है इसके अंदर, वो हमें बिल्कुल खत्म करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल सॉफ्ट इसका यहाँ पर आटा बनाना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसके अंदर को कुछ भी बबल वगैरह कुछ नहीं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। ये देखिए अब हम इसको, ये देखिए ऐसे करके हमारे इसको 3 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैं 1, 2 एंड इधर वाला हमारा 3। अब ये देखिए मैं इसका यहाँ पर जो हमने 1 पार्ट कट किया था इसको अलग लेंगे। इस तरह से हम इसको गोल करेंगे और 2 पार्ट को हम अलग रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चकला लेंगे हमारा, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ सूखा। ये देखिए इस तरह से हम डाल लेंगे। और जो अब हमने जो 1 पोर्शन इसका 1/3 पोर्शन था उसको हम पतला यहाँ पर बिल्कुल बेल लेंगे। हमें पतला बेलना है इसे, और ध्यान रखिए उस साइज का बेलना है हमें जिस साइज की आप प्लेट लोगे, उस जिसके अंदर आप अपना पिज्जा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बिल्कुल गोल यहाँ पर बेल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ इस रोटी को बिल्कुल बेल दिया। ये देखिए मैं इस साइज का यहाँ पर पिज्जा है वो बनाऊंगी इस साइज के अकॉर्डिंग। ये देखिए हमारा साइज बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर, ये देखिए मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा है ये यूज कर रही हूँ, इसको हम ऑन करेंगे और इसको हम गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा तवा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने यहाँ इस पर हमारी जो हमने रोटी को बेला था वो हम रखेंगे। ये देखिए हमें इसको ज्यादा नहीं सेकना है। ये देखिए इसके ऊपर जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब हम इसको पलटकर दूसरी साइड से सेक लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को यहाँ पर हम लो रखेंगे। इस चीज ब्रेस्ट पिज्जा को ये बिल्कुल डोमिनोज पिज्जा की तरह आपको इसके अंदर टेस्ट आएगा, इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बबल आ चुके हैं, अब मैं इसको यहाँ पर दूसरी साइड से पलट दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी यहाँ पर रोटी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये सिर्फ बबल्स आए हैं यहाँ पर। ये देखिए अब हम यहाँ पर हमारी गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे
और इसको हम एक साइड में यहाँ पर रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने हम हमारा बेस रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर नमक लिया है, ये देखिए, और मैंने यहाँ गैस को लो फ्लेम पर रखा है। अब हम इसको यहाँ पर गर्म होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा बेस रेडी होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हमारा यहाँ पर जो हमने 2/3 पोर्शन लिया था उसको अब हम यहाँ पर बेलेंगे। ये देखिए, ध्यान रखिए हमें साइज वही रखना है जो हमने पहले वाली रोटी का जो लिया था। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हमारा यहाँ पर जो हमने 2/3 पोर्शन लिया था उसको अब हम यहाँ पर बेलेंगे। ये देखिए, ध्यान रखिए हमें साइज वही रखना है जो हमने पहले वाली रोटी का जो लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये रोटी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसके अंदर फोक की हेल्प से, ये देखिए, इस तरह से छेद करेंगे। ये छेद हमने इसलिए किया है कि अगर हम छेद नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम जितने हो सकते हैं आपको यहाँ पर ऐसे छेद करने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम छेद कर रहे हैं। ये देखिए, छेद कर लिए हमने। अब हम इसके ऊपर जो हमने चीज स्प्रेड दिया था वो इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये चीज स्प्रेड लिया है, इसके ऊपर हम ये सारी जगह यहाँ पर फैला देंगे, अच्छे से फैला देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर चीज बिल्कुल स्प्रेड कर लिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर, ये देखिए, जो हमने दूसरी रोटी तवे के ऊपर सेकी थी वो इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ये देखिए, इसका साइज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लिया है क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको, हमें इसको यहाँ पर फोल्ड करना है। ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके कॉर्नर्स पे पानी लगा के, क्योंकि ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, अब हम ये जो कॉर्नर्स है इनको ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए अच्छे से हम चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ कॉर्नर्स बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पर चिपका दिए। अब ये देखिए, फिर से हम फोक की हेल्प से इसके अंदर भी ऐसे छेद करेंगे। ये देखिए, सभी जगह हमें यहाँ पर छेद करने हैं। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इसके सेंटर में भी हमें यहाँ पर छेद करने हैं। ये देखिए इस तरह से हम, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसके अंदर छेद कर लिए थे। अब मैं यहाँ पर, ये देखिए, जो पिज्जा सॉस है थोड़ी सी ये लूंगी, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पिज्जा सॉस ली है, और इसके बाद में थोड़ा सा हम यहाँ पर केचप भी यूज करेंगे इसके साथ। ये देखिए, थोड़ा सा केचप यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसको ऐसे फैला देंगे, चारों तरफ हमें इसको स्प्रेड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर, ये देखिए, पिज्जा सॉस और केचप को बिल्कुल इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है। अब ये देखिए, जो हमने यहाँ पर मोजरेला चीज ली थी वो इसके चारों तरफ यहाँ पर ऐसे फैला देंगे। ये देखिए, हमने अंदर भी चीज इसके अंदर डाली है और ऊपर भी हमने चीज डाली है। ये देखिए, चीज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये बिल्कुल डोमिनोज का पिज्जा होता है वैसे ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो वेजिटेबल्स कट की थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर ऑनियन लगा रही हूँ। ये देखिए, जगह जगह हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से। इसके बाद में मैं यहाँ पर कैप्सिकम लूंगी, शिमला मिर्च लूंगी जो मैंने यहाँ पर कट की थी। ये देखिए, इस तरह से हम शिमला मिर्च ये लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। हम लगा दें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हम चारों तरफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो मैंने पनीर के पीस कट कर रखे हैं वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम हर जगह पर रख देंगे। देखिए, ये पिज्जा की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में आप खुद घर पर पिज्जा रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, जब मन हो आप तब इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम
लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर ये देखिए ऑरेगानो डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालेंगे बिल्कुल, और थोड़ी सी यहाँ पर ये देखिए चिली पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर चीज डाल देंगे दोबारा, ये देखिए थोड़ा सा चीज डालेंगे इनको, बस ये कि थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम चीज डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ हम यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी और लगा देंगे। ये देखिए आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ ये देखिए, ताकि ये यहाँ पर स्टिक ना हो साइड से। ये देखिए हमने घी लगा दिया यहाँ पर। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर ये देखिए सॉल्ट, जो हमने नमक लिया था वो बिल्कुल गर्म हो चुका है ये देखिए कढ़ाई के अंदर। अब हम ये देखिए मेरी ये जो प्लेट है ये बिल्कुल कढ़ाई की साइज की है कि ये इसके अंदर फिट हो जाएगी। अगर आपकी फिट ना हो तो इसके अंदर आप कोई जैसे कि कटोरी वगैरह का बेस बना के अपनी प्लेट को यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 से 3 इंच तक इसकी ऊंचाई यहाँ पर चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पिज्जा अपना तैयार होने के लिए रख दिया। ये देखिए मेरा बिल्कुल इस कढ़ाई के ऊपर फिट आया ये देखिए। अब हम इसको ढक्कन की हेल्प से क्या है कि ढक देंगे, हमें यहाँ पर इसकी भाप है वो निकलने नहीं देनी है, क्योंकि ये स्टीम में ही यहाँ पर हमारा पककर रेडी होगा। देखिए ये हमारा ढक्कन यहाँ बिल्कुल कढ़ाई के साइज का, ये देखिए ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो चुका है ये देखिए। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये पिज्जा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से देख लेंगे, देखिए पीछे से इसकी कितनी अच्छी कोटिंग से ये सिक गया है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से अपने प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। बिल्कुल रेडी है ये सर्व करने। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब ये देखिए हम कटर की हेल्प से इसके पीस कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और आप ये देखिए मीडियम साइज का पिज्जा है ये देखिए, और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में हमने इसको यहाँ घर पर रेडी कर लिया। देखिए इस तरह से हम इसके पीसेज है ये कट कर लेंगे। ये देखिए मैं इसके यहाँ पर 8 स्लाइस कट कर रही हूँ, इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। एक बार इस पिज्जा को ट्राई कीजिए, आप घर पर ही पिज्जा बनाने लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना चीजी फ्लेवर है इसका, ये कितने अच्छे से बना। ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, मेरी इस रेसिपी पिज्जा की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। देखिए बिल्कुल चीज बर्स्ट पिज्जा लग रहा है ये देखिए, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये पिज्जा की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो।